जिस शहर में पूरे एक महीने यानी कि 30 दिन में 130 जनाजे उठते थे, उस शहर में पिछले 6 ही दिनों में 127 जनाजे उठे हैं। ये हाल देश के सबसे साफ शहर इंदौर का है, जहां मौत का सिलसिला लगातार जारी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मात्र 4 कब्रिस्तानों में 6 दिन में 127 शव दफनाए गए और 7वें दिन ये संख्या 145 तक पहुंच गई। मोटे तौर पर देखा जाए तो हर दिन तकरीबन 20 शव उन 4 कब्रिस्तानों में दफनाए जा रहे हैं जो क्वारंटाइन इलाकों के नजदीक है। इस खुलासे के बाद इंटेलिजेंस, एसटीएफ और पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई है और इन कब्रिस्तानों से मरने वालों के सारे डिटेल निकलवाए हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महुना का कब्रिस्तान में जनवरी में 50, फरवरी में 37, मार्च में 46 और 1 से 7 अप्रैल के बीच ही 46 शव दफनाए गए। खजराना कब्रिस्तान में जनवरी में 30, फरवरी में 33, पूरे मार्च में 20, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में 29 शव दफनाए गए। सिरपुर कब्रिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां जनवरी में 13, फरवरी में 14, मार्च में 28 और 7 अप्रैल तक 24 जनाजे दफनाए गए। लुनियापुर कब्रिस्तान की बात कर लेते हैं। यह मार्च में 36 शव दफनाए गए, जबकि 1 से 7 अप्रैल के बीच 46 जनाजे पहुंच चुके हैं। इस खबर से इंदौर प्रशासन भी सकते में है। अंदेशा है कि लोग कोरोना के संक्रमण की खबर छुपा रहे हैं। आला प्रशासनिक अधिकारी खुद निजी तौर पर इन आंकड़ों पर गौर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि कहीं हालात जितने दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा गंभीर तो नहीं। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने भी साफ कर दिया है कि इस बीमारी को छुपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।